हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन चैनल। आपने ठीक पढ़ा थंबनेल पे, 2020 में एथिकल हैकर कैसे बने। आज हम आपको सिखाएंगे 2020 में एथिकल हैकर कैसे बने। चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स कीप वॉचिंग, स्टार्ट नाउ। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को ज्ञान होना चाहिए। आपको पहला स्टेप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंपोनेंट का सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर चलाना होना चाहिए, कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होते हैं, स्लॉट्स क्या होते हैं, रैम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, यह पूरा कंप्यूटर के बारे में बेसिक कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। एक एथिकल हैकर बनने जा रहे हैं, आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर चलाना होना चाहिए, तभी आप एक एथिकल हैकिंग के करियर में आप कदम रख सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक एथिकल हैकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। आपको भी एक एथिकल हैकर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। आपको सीखनी होगी C++, जावा स्क्रिप्ट, ओरेकल, पाइथन, रूबी, PHP, HTML एंड CSS और SQL। ऐसा कि नहीं है आपको सारी लैंग्वेज सीखनी है, आपको कोई भी एक आध लैंग्वेज आपको कंप्लीट सीखनी है, जिसको आप अच्छा समझें उसे एक लैंग्वेज को चूज़ कर लें और उसी पर अपना कमांड बनाएं। ठीक है फ्रेंड, आप उसी कमांड बना के आप अच्छा एक एथिकल हैकर के दूसरे सेकंड में स्टेप में कदम रख सकते हैं, और आप अभ्यास करते रहें, आपको ज्ञान होता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रैक्टिस जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एक एथिकल हैकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर एबिलिटी होती है। वो एक हैकर उसी बोलते हैं हम, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, जो नेटवर्क या किसी ऑर्गेनाइजेशन की समस्या को हल कर सके, उसे फाइंड आउट करे, ढूंढ कर और उस समस्या को ख़त्म करना ही एक एथिकल हैकर कहलाता है। उसी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो सकती है उसी के अंदर। अगर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे और आपकी स्किल्स पर सुधार हो जाएगा। आप वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल करके, अब कई तरीके ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर से, अब उन यूज़ कर आप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, लिनक्स। एक एथिकल हैकर लिनक्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत अच्छी तरीके से कमांड होता है एक एथिकल हैकर के लिए। इसलिए आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, आपको लिनक्स और विंडोज़ और मैक OS ऑपरेट इन पर अच्छी तरीके से आपको वर्क करना आना चाहिए। विंडो चलानी आनी चाहिए, डबल विंडो, ओवरराइड, जैसे कि लिनक्स और विंडो एक साथ वर्क कैसे करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, और वैस इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वर्क करना चाहिए, तभी आप एक एथिकल हैकर कहला सकते हैं। नेक्स्ट, स्किल डेवलप। एक एथिकल हैकर अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप करता है, उसे नई नई स्किल्स को सीखते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो नॉलेज है कभी कम ना हो और आप एथिकल हैकर में अच्छी तरीके से मुकाम हासिल करें। आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपडेट रहना होगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, ताकि आप ऐसा नहीं है आपने एक एथिकल सर्टिफाइड एक्स कोर्स कर लिया और आप करें आप समझे हम एथिकल हैकर बन गए, ऐसा नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। और नेक्स्ट, प्रैक्टिस द मैन की। प्रैक्टिस ही एक कुंजी है जो हमारी सफलता दिला सकती है एथिकल हैकिंग करियर में। आपको कंटिन्यू टू प्रैक्टिकल, लगातार प्रैक्टिकल करना होगा, और लगातार अभ्यास से ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकते हैं। आपको एक लैब क्रिएट कर एथिकल हैकिंग की और उसके एथिकल जो हैकिंग है उसके कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं। अगर फ्रेंड्स
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके शेयर करने से कुछ नहीं होता, हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ता है, और लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो का ज्ञान मिलता है और आप अच्छी तरीके से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड थैंक यू।